22 जनवरी 7 बजे उनकी फांसी होगी, इसलिए हम बहुत खुश हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 22 आपने इतना साल से जो संघर्ष किया, इससे आपके केस के बाद कितना बदलाव आया? इसकी लड़ाई थी, अभी भी बढ़ी रही है, लेकिन एक जरूर है कि इस तरह के हैवानगी करने वाले लोगों के लिए मन के बारे में हाँ बिल्कुल बोल लेंगे कि जो भी हमारा कानून है, एक समय बाउंड के तरह कम से कम जो बलात्कार के मर्डर के केस हैं उसमें एक समय बाउंड के तहत फैसला हो, उनको सजा। अभी मैंने सबसे पहले शुक्रिया अपने बेटी को करूंगी क्योंकि उसको 7 साल इंतजार करना पड़ा। मैं खड़ी है, अभी है देश की कई बेटियों की लड़ाई, आज पूरी देश की बेटियों को इंसाफ मिले। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, जो लड़ाई हम लड़ रहे थे मेरी बहन निर्भया के लिए, आपको राहत है निर्भया को इंसाफ मिला? बिल्कुल राहत है, क्योंकि इंसाफ सिर्फ निर्भया का, निर्भया के माँ बाप का नहीं है, पूरा देश के बच्चियों का है, पूरा समाज का है।